हॉलीवुड जो है वो इन शराबी कोचिस के पीछे क्यों पड़ा हुआ, जो कि हमेशा से बॉलीवुड में कुछ ना कुछ नया और अजीबोगरीब लेके आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रमीज अहमद खान और आज मैं ऐसे चार ट्रेलर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि जल्द ही मूवी थिएटर या OTT पे नजर आने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नंबर वन, टोपी। भाई क्या ट्रेलर है, मतलब इतना डार्क कॉन्सेप्ट। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट कई बार बॉलीवुड और टॉलीवुड में यूज हो चुका है। एक सिंपल से इंसान की कहानी है जो कि एक सिंपल सी जिंदगी जीना चाहता है और जी भी रहा है, लेकिन हालात और तकदीर उसको शैतान बनने पर मजबूर कर देते हैं। साउथ इंडियन मूवीज की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ अगर अनरियलिस्टिक स्टोरीज पर भी डायरेक्टर्स काम करते हैं तो बहुत ही रियलिस्टिक ढंग से पेश करने की कोशिश जरूर करते हैं। कुछ ऐसा ही मुझे टोबी के ट्रेलर से लगा। ये मूवी 25 अगस्त को रिलीज होगी और मुझे तो इसका ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त लगा। और आप भी अगर डार्क मूवीज पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। नंबर टू, आफ्टर द सक्सेसफुल फोरे इनटू OTT प्लेटफॉर्म्स प्राइम विद द सीरीज ब्रीथ एंड नॉट सो सक्सेसफुल मूवी दस की, अभिषेक बच्चन वापस एक बार फिर पर्दे पर नजर आएंगे विद द मूवी हूमन। वैसे तो इस मूवी की मेन लीड है सियामी खेर, जो कि एक बडिंग क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही हैं, जिनका एक एक्सीडेंट की वजह से हाथ काटना पड़ जाता है डॉक्टर्स को, जो कि उनका मेन राइट हैंड होता है जिसको वो मेन इस्तेमाल करती हैं प्ले करते हुए। और कैसे एक शराबी कोच की बात मैं फिर से करूँगा, कैसे एक शराबी कोच जो है वो उस लड़की को दोबारा बॉलिंग करना सिखाता है अपने उल्टे हाथ से, जो कि उनका मेन हैंड नहीं है। तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस कोच एंड द क्रिकेटर। स्टोरी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही इंस्पायरिंग लग रही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बॉलीवुड जो है वो इन शराबी कोचेस के पीछे क्यों पड़ा हुआ। मतलब फॉर एग्जांपल नसरुद्दीन शाह ने भी एक शराबी कोच का रोल प्ले किया था मूवी इकबाल में। बोमन ईरानी ने प्ले किया था शराबी कोच का रोल मूवी गोल में। और इस मूवी में अभिषेक बच्चन उसी तरह का रोल प्ले कर। पर खैर, मुझे डायरेक्टर आर बल्की से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी अब तक की जितनी भी मूवीज़ आई हैं वो बहुत ही अच्छी रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी रही हैं और स्टोरी वाइज भी बहुत अच्छी रही। देखना ये है कि वो किस तरीके से सियामी खेर की जर्नी को इस मूवी में दिखाते हैं। और अभिषेक बच्चन का जो रोल है एक कोच का, जो कि आई एम श्योर एक ऐसा प्लेयर खुद रहा होगा जो बहुत अच्छा प्लेयर होगा, लेकिन उसे चांसेस नहीं मिले होंगे और वो बहुत अच्छा बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया होगा। दिस इज द होल क्रक्स, ज़्यादातर कोचेस के साथ ऐसा ही होता है। इकबाल में भी नसरुद्दीन शाह के साथ ऐसा ही हुआ था और गोल मूवी में भी बोमन ईरानी के साथ ऐसा ही हुआ था। तो स्टोरी हमें पता है, क्लाइमैक्स भी हमें पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो मेन बात है कि वो आर बल्की का डायरेक्शन, कि वो इस स्टोरी को किस तरीके से पर्दे पर दिखाते हैं। छोटी सी मूवी है, छोटे बजट की मूवी है, फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के 2 हफ्ते में ही मूवी जो है वो थिएटर्स पर रिलीज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द, शायद 1.5-2 महीने या 3-4 महीने में ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आ जाएगी। तो अब देखना ये है कि कितने लोग इसको थिएटर्स पे जाके देखना पसंद करते हैं या कितने लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई ये OTT पे रिलीज़ होगी तो हम तभी देख लें। पर आई एम श्योर अगर आप अभिषेक बच्चन के फ़ैन हैं या आर बल्की के फ़ैन हैं, आप ये मूवी थिएटर पे जाके देखना पसंद करेंगे। होप फॉर द बेस्ट फॉर अभिषेक बच्चन। नंबर थ्री, द डायनेमिक डुओ ऑफ राज एंड DK, जो कि हमेशा से बॉलीवुड में कुछ ना कुछ नया और अजीबोगरीब लेके आते हैं, चाहे वो गो गोवा गॉन हो, फर्जी हो या हो फैमिली मैन। इस बार लेके आए हैं गन्स एंड गुलाब्स ऑन डेक, एक ऐसी कहानी जहां चारों तरफ नेगेटिव ही नेगेटिव करेक्टर्स हैं। बैकग्राउंड स्कोर से पता चल रहा है कि सीरीज जो है वो 90s में बेस्ड है, जिससे ये पूरी स्टोरी का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। आजकल की मेन ऑडियंस जो है OTT पर सीरीज देखने वाली, वो या तो 90s बॉर्न है या फिर 2000 के बाद ही बॉर्न है, तो उन्होंने 90s का जो वक्त है वो बहुत कम देखा है। तो इट्स अ वेरी फैशिनेटिंग वर्ल्ड इंडिया में, खासतौर से 90s का जो दौर था वो बहुत ही अलग तरीके का था, जब TV लॉन्च ही हुआ था। उस तरह की कहानी, उस तरह के वक्त को जो है लोग बहुत ही पसंद करते हैं। अब तक जितनी भी उस तरह की सीरीज आई हैं लोगों ने वो बहुत पसंद करी है। तो इसी तरीके का जो दौर है वो राज और DK इस सीरीज में दिखाना चाह रहे हैं। इस सीरीज में हमें लास्ट टाइम सतीश कौशिक जी भी देखने को मिलेंगे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। गन्स एंड गुलाब्स में सारे एक्टर्स भी एक से बढ़कर एक हैं।
राजकुमार राव, दलकीर सलमान, गुलशन देविया, आदर्श गौरव, जो कि काफी फेमस हो गए हैं अपनी ओटीटी सीरीज हॉस्टल डेज के बाद। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को जल्द से जल्द नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए, जो कि रिलीज हो रही है 18 अगस्त को। तो क्या आप भी एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 4, ताली। सुष्मिता सेन के जलवे भी कमाल ही होते जा रहे हैं। पहले तो उनकी एक सीरीज आई थी हॉटस्टार पर, आनरिया, बहुत ही कमाल की सीरीज थी, बेहद लोगों को पसंद आई, और अभी तक आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। और अब आ रही है उसके बाद इनकी नई मूवी, जो कि जियो सिनेमा पर रिलीज होगी 15 अगस्त को, जिसका नाम है ताली। ये मूवी बेस्ड है ट्रू इवेंट्स पर, जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो होता तो लड़का है लेकिन अपने आप को अंदर से एक लड़की की तरह महसूस करता है, और कैसे वो एक PIL के जरिए इंडिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है। स्टोरी का ट्रेलर देख के मुझे बहुत ही पसंद आया। सुष्मिता सेन, जो कि बहुत ही कमाल का काम कर रही है पिछले कुछ सालों से, वो बहुत ही अच्छी लग रही है इस रोल में, और ऐसा लग रहा है कि इट्स अ टेलर मेड रोल फॉर हर, बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन भी है, आई एम नॉट श्योर वो वॉइस मॉड्यूलेशन उन्होंने एडिटिंग के जरिए करा है डायरेक्टर ने, या सुष्मिता सेन ने वाकई में उस आवाज पे काम किया है। मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है, और वो पूरी जर्नी दिखाई गई है इसमें उस छोटे लड़के की, जो कि बड़ा होके एक ट्रांसजेंडर के तौर पे जाना जाता। मूवी का ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया और मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा अगर आप सुष्मिता सेन के फैन हैं या इस तरह की सीरीज या मूवीज के फैन हैं जो कि कुछ हट के देखना पसंद करते हैं। तो आप इनमें से कौन सी मूवी या टीवी सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चाओ चाओ।